हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रिया एडवेब्स में। इस वीडियो में मैं आपको ड्राइंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ। अगर आप एक बिगिनर हैं, अभी ड्राइंग सीख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में हम देखेंगे हेयर ड्रॉ करना, और हेयर ड्राइंग से रिलेटेड मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, जिससे कि आप अपनी हेयर ड्राइंग को रियलिस्टिक दिखा सकते हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे कौन कौन से टूल्स हैं जो कि हेयर ड्राइंग के लिए हमारे पास होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं टूल्स के बारे में। हेयर ड्राइंग के लिए मैं यहाँ पर 3 पेंसिल का यूज़ करूँगी, 2B ग्रेफाइट पेंसिल, 6B ग्रेफाइट पेंसिल और सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगी सॉफ्ट ड्राई ब्रश का। हेयर को हाईलाइट देने के लिए हम यूज़ करेंगे मोनो जीरो इरेज़र, और ड्राइंग के बाकी पार्ट को कंप्लीट करने के लिए हम निडेबल इरेज़र भी यूज़ करेंगे। अब चलिए हम हेयर ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ 2B ग्रेफाइट पेंसिल का, और इस पेंसिल की मदद से मैं यहाँ पर स्ट्रोक्स लगा रही हूँ। हेयर की जो डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में हमें स्ट्रोक्स लगाने हैं। और अभी मैं यहाँ पर प्रेशर का अप्लाई नहीं कर रही हूँ, हल्के हाथों से स्ट्रोक्स लगा रही हूँ। हेयर ड्राइंग से पहले आप अपनी पेंसिल को अच्छे से शार्प कर लें, ताकि हम जो स्ट्रोक्स लगाएं वो हेयर की तरह दिखें। एक लेयर हमने ड्रॉ कर ली है, अब सेकेंड लेयर के लिए मैं फिर से यहाँ पर 2B ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, और 2B ग्रेफाइट पेंसिल से मैं फिर से हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगा रही हूँ। यहाँ मैं पेंसिल को थोड़ा सा प्रेशर के साथ अप्लाई कर रही हूँ, और फोटो में मुझे हेयर की जो डायरेक्शन दिख रही है, उसी डायरेक्शन में मैं स्ट्रोक लगाऊंगी। और स्ट्रोक्स हमें बहुत ही आराम से लगाने हैं। फ़ोटो में अगर कोई डार्क पार्ट दिख रहा है जहाँ स्ट्रोक्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम नॉर्मल शेडिंग कर सकते हैं। अब इसे भी हम सॉफ्ट ड्राई ब्रश से ब्लेंड कर लेंगे। मैं यहाँ पर ब्रश को हल्के हाथों से अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी 6B ग्रेफाइट पेंसिल, और इस पेंसिल की मदद से भी हम उसी तरह से स्ट्रोक्स लगाएंगे जैसे कि हमने 2B पेंसिल से लगाए थे। अब इस लेयर को भी हम ब्लेंड कर लेंगे। अब लास्ट लेयर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का। चारकोल पेंसिल से भी हम उसी तरह से स्ट्रोक्स लगाएंगे जैसे हमने पहले ग्रेफाइट पेंसिल से लगाए हैं। आप चारकोल की जगह कोई ग्रेफाइट का डार्क शेड जैसे कि 10B, 8B यूज़ कर सकते हैं। अब इसे भी हम ब्लेंड कर लेंगे। हेयर का हमने इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब बाकी पार्ट के लिए मैं यहाँ पर फिर से 2B ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ भी मैं फ़ोटो को देखते हुए हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाऊंगी। पहली लेयर हमेशा हमें लाइट रखनी है, और एकदम हल्के हाथों से पेंसिल को अप्लाई करना है। अब यहाँ हमारी एक लेयर कंप्लीट हो चुकी है। मैंने यहाँ पर 2B ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ किया था। अब मैं यहाँ पर फिर से 2B ग्रेफाइट पेंसिल को थोड़े से प्रेशर के साथ अप्लाई कर रही हूँ। इसे भी हम ब्लेंड कर लेंगे। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 6B ग्रेफाइट पेंसिल का। 6B ग्रेफाइट पेंसिल से भी मैं उसी तरह से स्ट्रोक्स लगाऊंगी, फोटो को ऑब्जर्व करके। हमने जो पहले स्ट्रोक्स लगाए हैं उसी के ऊपर मैं स्ट्रोक्स लगा रही हूँ। अब इस लेयर को भी हम ब्लेंड कर लेंगे। अब हम लास्ट लेयर के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का। फ़ोटो में जहाँ पर मुझे लाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, जहाँ मुझे हाईलाइट देने हैं, उसको मैं खाली छोड़ रही हूँ। चारकोल पेंसिल को भी मैंने अच्छी तरह से शार्प कर लिया है, ताकि मेरे स्ट्रोक्स प्रॉपर लगें। अब फ़ोटो को ऑब्ज़र्व करते हुए हेयर का जो डार्क पार्ट है, वहीं पर हम स्ट्रोक्स लगाएंगे या शेडिंग करेंगे।
और हेयर के जिस पार्ट में मुझे हाईलाइट देना है वहाँ मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप अपनी ड्राइंग को रियलिस्टिक लुक देना चाहते हैं तो शेडिंग हमेशा लेयर वाइज करें। पहले आप फोटो को ऑब्जर्व करें कि हमें यहाँ पर कौन कौन से शेड की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेयर एकदम डार्क है, तो इसके लिए मैंने डार्क पेंसिल सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है। आप चाहें तो ग्रेफाइट 8B या 10B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा मैंने ग्रेफाइट का डार्क शेड 6B लिया है। चाहे आपको डार्क शेडिंग करनी है या फिर लाइट शेडिंग करनी है, लेकिन शुरुआत आप हमेशा लाइट शेड से ही करें। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2B पेंसिल से शुरुआत की थी। मैं यहाँ पर हर बार शेडिंग के बाद इसे ब्लेंड भी कर रही हूँ ताकि हमारी जो शेडिंग है वो स्मूथ दिखे और हमने जो स्ट्रोक्स लगाए हैं वो अलग अलग ना दिखें, एक दूसरे में मर्ज हो जाएं। अब मैं यहाँ पर ड्राइंग की फिनिशिंग के लिए एक बार 2B ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि हेयर की जो शेडिंग है वो मुझे काफ़ी लाइट लग रही है, तो इसे मैं थोड़ा सा डार्क कर लूँगी। मैं यहाँ पर अब स्ट्रोक्स नहीं लगा रही हूँ, मैं नॉर्मल शेडिंग कर रही हूँ। जहाँ पर भी लाइट पार्ट है उसे फ़ोटो से कंपेयर करके उसे थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। अगर आपको हेयर के किसी पार्ट को ज़्यादा डार्क रखना है तो वहाँ पर आप चारकोल पेंसिल का यूज़ भी कर सकते हैं। बस आपको फ़ोटो के अकॉर्डिंग ही शेड लेने हैं। अब हमारी लास्ट स्टेप है हाईलाइट। हाईलाइट हमारी ड्राइंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी ड्राइंग और ज़्यादा रियलिस्टिक दिखेगी। इसलिए हाईलाइट हमेशा ध्यान से करें। पहले रिफ्रेंस फ़ोटो को ऑब्ज़र्व करें कि कहाँ पर लाइट आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको हाईलाइट देने हैं। हाईलाइट के लिए यहाँ पर मैं मोनोज़ीरो इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ। हेयर ड्राइंग कम्प्लीट हो चुकी है। अब ड्राइंग का जो बाकी का पार्ट बचा था उसे हम कंप्लीट करेंगे। मैं यहाँ पर अभी ईयर ड्रॉ कर रही हूँ, और इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 2B ग्रेफाइट पेंसिल का। पिछले वीडियो में मैंने आपको फेस की शेडिंग करना बताया था, बस वैसे ही हम बाकी पार्ट को भी यहाँ पर शेड करेंगे। अगर आपने मेरे शेडिंग के पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ब्लेंड करने के बाद अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 6B ग्रेफाइट पेंसिल का। ईयर में मुझे जहाँ पर भी थोड़ा डार्क पार्ट दिखाई दे रहा है उसे मैं यहाँ पर 6B पेंसिल से शेड कर रही हूँ। अब यहाँ मुझे थोड़े से बड़े पार्ट में हाईलाइट करना है, इसलिए मैं यहाँ पर नीडेबल इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ हाईलाइट देने के लिए। और कहीं कहीं पर शेडिंग को थोड़ा सा लाइट करना है उसके लिए भी मैं यहाँ पर नीडेबल इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ। अब इसी तरह से हम दूसरे ईयर को भी शेड करेंगे। मैं इसके लिए भी यहाँ पर सबसे पहले 2B ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करूँगी। अब इसे भी हम ब्लेंड कर लेंगे। और हाईलाइट के लिए मैं यहाँ पर फिर से नीडेबल इरेज़र का यूज़ करूँगी। ईयर्स ड्राइंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कपड़ों की शेडिंग करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर ग्रेफाइट का डार्क शेड 6B ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसे 6B ग्रेफाइट पेंसिल से शेड कर लिया है। अब मैं इसे सॉफ्ट ड्राई ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर फिर से 6B ग्रेफाइट पेंसिल को थोड़ा सा प्रेशर के साथ अप्लाई कर रही हूँ। अब डार्क पार्ट के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का। तो अब ये ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कॉमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।